भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के समीप दिन दहाड़े कार सवार महिला के साथ बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मीरा देवी अपने पुत्र विवेक कुमार, पुत्रवधु और पोती के साथ अपने घर बूढ़ानाथ आर के लेन से अपने रिश्तेदार के घर जगदीशपुर जा रही थी। इसी दौरान अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास जब ट्रैफिक लाइट जला तो महिला का पुत्र विवेक कुमार, जो कि खुद से कार ड्राइव कर रहा था, ने अपनी कार को रोक दिया। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधी विवेक की गाड़ी का गेट खोलने के लिए बोला। जब विवेक ने दरवाजा नहीं खोला तो अपराधी दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और जब विवेक गेट खोलकर बाहर निकला, इसी बीच दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी दौरान पीछे बैठे बाइक सवार ने महिला मीरा देवी के गले से सोने का चैन छीनकर भाग गया। घटना के बाद पीड़ित मीरा देवी अपने परिजनों के साथ बबरगंज थाना पहुंची और घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना के बाद बबरगंज थाना की पुलिस अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और अपराधी की खोजबीन जारी है। मैं बूढ़ानाथ भागलपुर का रहने वाला हूं, ठीक है। मैं भागलपुर से बूढ़ानाथ से जगदीशपुर की ओर जा रहा था, मैं और अपनी फैमिली के साथ। तो इसी दरमियान अलीगंज चौक रेड सिग्नल जो है, रेड सिग्नल पे सिग्नल लगा हुआ था। तो सिग्नल लगने के दरमियान में हमने वहाँ खड़ा था और जब सिग्नल ग्रीन सिग्नल हुआ तो दो लड़का गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया। इस दरमियान में हमने हॉर्न मारा तो वो गाली गलोच करने लगा और डायरेक्ट आके शीशा पे हमला कर दिया। शीशा पे मुक्का उक्का चलाने लगा, गेट का एकदम पागल की तरह गेट को खींचने लगा। ऐसे दरमियान में गेट खुलने के तहत में वो मुक्का मारने लगा, लात मारने लगा और मम्मी का गला से चैन अंदर घुस के छीना और उसके बाद लेडीज के साथ हाथापाई किया खिड़की से और वो सीधा ये डाडवाड़ के रोड भाग गया। इस दरमियान में हम 112 को भी कॉल किए लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और हम फिर बबरगंज थाना आए और यहाँ पे आवेदन दिए, लिखित आवेदन दिए। यहाँ तो अभी सूचना तो कुछ नहीं मिला है लेकिन अब आगे देखते हैं शाम तक में क्या प्रक्रिया होता है। हम लोग भागलपुर बुढ़ाना से आर के लेन का टोली से आ रहे थे, जगदीशपुर जा रहे थे कोई काम से। इतने में यहाँ अलीगंज में रेड सिग्नल लगा हुआ था, वहाँ पर मेरा बेटा गाड़ी खड़ा किया और जैसे रेड लाइन हुआ बस गाड़ी स्टार्ट किया तो दो लड़का गाड़ी का आगे आ गया। मेरा बेटा हॉर्न मारने लगा, उसके बाद वो नहीं सुना, आके पूरा शीशा में जोर जोर से धक्का मारने फैट चलाने लगा। हम बेटा बोले गेट मत खोलो, बस पूरा जोर जोर से गेट खोलने लगा, फैट से शीशा को खूब चूरने लगा। इतने मेरा बेटा गेट खोला, मेरा बेटा को भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया, मेरा गला से चैन छीन के हता वहीं करके भाग गया। मेरा गोदी में बच्चा था, सोने का चैन था। क्या वजन हो गया, क्या कीमत होगी? लगभग वही 1 से 1.5 भर का था। डर लग रहा है? भय तो बहुत लग रहा है, मेरा हाथ और बेटा कांप रहा है, थर थर कर रहा है सर। मेरा बेटा के साथ हत्या हो गया, अगर वो हत्या वहीं किया आगे और कुछ कर देता तो हम क्या करते? डर नहीं लगेगा? डर तो लगेगा ही सर, मेरा गोदी में बच्चा था सर। गोदी में बच्चा? हाँ, मेरी पोती थी गोदी में सर, एक बाबू थी गोदी में, मेरी बेटी भी पिताऊ पीछे बैठा हुआ था सर। क्या नाम? भागलपुर के महाशय ड्योरी प्राचीन दुर्गा मंदिर चंपानगर में भाजपा जिला का एक दिवसीय विस्तृत कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारम्भ किया। भाजपा नेता बंटी यादव, पीरपैती विधायक सहित जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीरपैती विधायक ने पीरपैती में पावर प्लांट सहित कई योजनाओं को लेकर जहां भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं भाजपा की प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर ने कहा कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा का जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, दोनों मुख्यमंत्री जी को निर्देश से बहुत आभार व्यक्त करते हैं, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि बिहार को इस बार छप्पर फाड़ के दिया था, जितनी उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज्यादा दिया है। उसमें भी बिहार में भी हम भागलपुर की जनता की तरफ से और आभार व्यक्त करते हैं, विशेष आभार, और पीरपैती विधानसभा की ओर से तो विशेष आभार है कि आज पीरपैती को 21,400 करोड़ का 2400 मेगावाट का पीरपैती थर्मल पावर, आज वहां पर से बक्सर भाया भागलपुर मिर्जा जो कि 6 लेन एक्सप्रेसवे है, इसके बाद विक्रमशिला को बजट आया है। आप देखें कि पीरपैती को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा से रेलवे की कनेक्टिविटी मिले, ऐसा सौभाग्य शायद कहीं मिलता है। चाहे पीरपैती से आप कलकत्ता चले जाएं, इधर पटना दिल्ली चले जाएं और हस्तिया से जोड़ लें, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में आप कटोरिया देख लें,
चारों तरफ से कनेक्टिविटी हुई है और सौभाग्य है कि वहां पर फिरपैती में एनएच और 410 का जंक्शन पॉइंट फिरपैती ही पड़ता है और वहां से बगल से आप जो मनिहारी साहेबगंज जो ब्रिज बन रहा है उसकी दूरी महज 12 किलोमीटर है। हम